नमस्कार, आज का हमारा लेटेस्ट वीडियो अपडेट है। नई दिल्ली से लखनऊ के बीच चलेगी नई तेजस एक्सप्रेस। नई ट्रेन का परिचालन का पूरा डिटेल देखने के लिए और समय सारणी रूट ठहराव जानकारी पाने के लिए हमारा यह वीडियो पूरा अवश्य देखें। यह ट्रेन सबसे कम समय के साथ अधिक सुविधाओं के साथ लैस होगी। यह वीडियो पूरा अवश्य देखें ताकि कोई भी जानकारी अधूरी ना रहे। साथ ही इंडियन रेलवे के आर को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पर अवश्य क्लिक करें। IRCTC की दो पहली तेजस एक्सप्रेस ट्रेन तेजस नई दिल्ली से लखनऊ और नई दिल्ली मुंबई से अहमदाबाद के बीच चलाई जा रही थी। इसका परिचालन सप्ताह में 6 दिन होगा और रेल सूत्रों के अनुसार यह ट्रेन मंगलवार को छोड़कर हर दिन चलेगी। हम बात करते हैं मुंबई से अहमदाबाद चलने वाली तेजस एक्सप्रेस ट्रेन को लेकर। अभी नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है और आपको बताते चलेंगे इस वीडियो में इसका क्या होगा ठहराव एवं अन्य जानकारी। मुंबई से अहमदाबाद के बीच इस ट्रेन के केवल सूरत और वडोदरा के 2 स्टॉप दिए गए हैं, लेकिन IRCTC को आशंका है कि रूट पर केवल 2 स्टॉपेज होने से ट्रेन के लिए मुसाफिर जुटाना बड़ा मुश्किल होगा। इसलिए IRCTC 5 अतिरिक्त स्टेशन इसमें ऐड करने जा रही है, जो कि आपको तेजस एक्सप्रेस में बदलाव के साथ साथ नया स्टॉपेज भी देखने को मिल सकता है। नया स्टॉपेज में शामिल है बोरीवली, बापी, वड़ूच और नाडियाडीह रेलवे स्टेशन। खबर है कि IRCTC की पहली तेजस एक्सप्रेस ट्रेन 4 अक्टूबर को लखनऊ से नई दिल्ली के बीच शुरू होगी। तो चलिए जानते हैं इस ट्रेन का थोड़ा और विस्तार में। सिर्फ 2 ट्रेन चलाएगी IRCTC। भारतीय रेल ने पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर लखनऊ, दिल्ली और मुंबई अहमदाबाद 2 ट्रेन IRCTC को चलाने के लिए दे दी गई है और IRCTC शुरुआत में केवल 3 साल के लिए इन 2 ट्रेनों का संचालन करेगी। इस ट्रेन में हवाई जहाज जैसी सुविधा दी जाएगी और इसलिए इस ट्रेन का किराया भी आम ट्रेनों के मुकाबले ज्यादा होगा। तो चलिए जानते हैं आखिर इस ट्रेन का किराया आखिर कितना होगा और कैसा किराया लगाया जाएगा इसमें। यह ट्रेन किराया की मांग के मुताबिक कम या ज्यादा होगा, यानी यह ट्रेन डायनेमिक फेयर सिस्टम पे चलेगी। इस ट्रेन का किराया उसी रूट पर चलने वाली शताब्दी एक्सप्रेस से ज्यादा, जबकि हवाई किराए से आमतौर पर आधा होगा। लेकिन ट्रेन का किराया इतना जरूर रखा गया है कि 60-70% तक सीट बुक हो जाएं और ब्रेक इवन पॉइंट पर पहुंच जा सके, यात्री अपना परिचालन इस ट्रेन से ज्यादा कर सके। इसलिए IRCTC रेलवे बोर्ड ने हॉलेज चार्ज में भी छूट दी है। तो चलिए जानते हैं इस ट्रेन का बुकिंग के बारे में। वहीं सूत्रों के मुताबिक IRCTC की मांग है कि उसे ट्रेन में अलग अलग और स्वतंत्र बुकिंग की अनुमति मिले और रेलवे बोर्ड अपनी तरफ से ट्रेन में टिकट चेकिंग एवं बाकी कुछ जरूर स्टाफ मुहैया कराएगा। महंगी और विशेष यात्रा सुविधा होने की वजह से इन ट्रेनों में किसी तरह की छूट या पास को मान्यता नहीं दी जाएगी। इसके साथ ही भारतीय रेल ने नई सरकार में अपने 100 दिन के एजेंडे में निजी क्षेत्र को ट्रेन संचालन के लिए आकर्षित करने का योजना बनाई है। इसी के तहत रेलवे ने प्रयोग के तौर पर अपनी कंपनी PSU IRCTC 2 ट्रेनों का संचालन सौंपने का फैसला किया है। इसके लिए IRCTC रेलवे का हॉलेज चार्ज देगा, जबकि ट्रेन से होने वाली आय उसकी होगी। फिलहाल IRCTC केवल टूरिस्ट या स्पेशल ट्रेन का संचालन इस प्रयोग से करती है। तो ये था आज का हमारा लेटेस्ट वीडियो अपडेट। इसी तरह के और भी लेटेस्ट वीडियो अपडेट पाने के लिए इंडियन रेलवे KR को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर अवश्य क्लिक करें।